तरीके की अपने किरदार के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं किरदार तो बहुत ही अच्छा था उसमें, ऑब्वियसली जैसे ट्रेलर में दिखते हैं शेड्स भी ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, और मेरे को हर तरह का इमोशंस भी प्ले करने को मिला जो ज़्यादातर मिलता है, उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी बिकॉज यू नो एज अ परफॉर्मर रोली हैज परफॉर्म वेरी वेल, रिबू हैज परफॉर्म वेरी वेल, शरद भाई हैज परफॉर्म वेरी वेल, सबके कैरेक्टर्स में आपको शेड्स मिलेंगे तो एक्टर को भी मज़ा आता है परफॉर्म करने, सिंगल डायमेंशन नहीं, तो जब एक्टर को अलग अलग इमोशंस खेलने मिलते हैं तो मज़ा आता है, तब एक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो जब लिखने वक्त ही ऐसा सब लिखा गया था, तो आई थिंक वी आर रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस फिल्म, दैट विल शो इन द फिल्म। ओके, इसी के साथ मेरा सवाल है कि मतलब जब एक आर्टिस्ट को जब इतने सारे रोल्स दिए जाते हैं, आप उसके सेम टाइम पे एक एग्रेसिव रोल भी करवा रहे हैं, एक नेगेटिव भी करवा रहे हैं, पॉजिटिव भी करवा रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है वो, मतलब उस जोन में से जाके जोन में वापस आना? जी 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 नहीं, क्या होता है जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में कहा कि कॉमेडी भी है एंड थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा प्यार भी है, सारी चीज़ों को सब मिक्सचर है, जी जी, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है? नहीं, डिफिकल्ट जब होता है जब आप प्रिपेयर्ड ना हो। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं जो भी करने के लिए, आपने वर्कशॉप्स की हैं, तो फिर तो सब ईजी हो जाता है। तो इसीलिए शूटिंग भी हमारी इतना, हमने वर्कशॉप्स इतनी पहले की थी, इतना मैंने एक्टर्स के ऊपर जुल्म किया है उनको देना पड़ा जो मैं चाहता था। देखिए अभी हंस रही है, अभी जुल्म के बाद हंस रही है, तो इनको भी इंजॉय हुआ, तो करना पड़ा, सबको प्रेशर डालना पड़ा, लेकिन बाद में जब रोल, जब पिक्चर देखा लोगों ने, हाँ रोली को भी समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि मैं उनको जब स्क्रिप्ट दी, बोला ये पूरी स्क्रिप्ट तुमको मगअप करना है, तो रोली थोड़ा शॉक हो गई, तो लेकिन बाद में जब शूटिंग ख़त्म हुई और शूटिंग चल रही थी, तो रोली ने मुझे खुद आके थैंक यू बोला कि गुड यू बी प्रिपेयर्ड सो मच, सो देयर वाज लेस प्रेशर ऑन द सेट्स। फिर मैं वर्कशॉप्स इसलिए करना चाह रहा था कि एक्टर्स के ऊपर से जब मेरा ध्यान हट जाए, मतलब मैं श्योर हो गया कि एक्टर परफॉर्म कर लेगा, फिर मैंने अलग अलग लाइटिंग पे, सेट्स पे, उस पर ध्यान देना शुरू किया, सेट जो शूटिंग के दौरान होता है वो प्रोसेस, तो एक्टर्स वेल प्रिपेयर्ड थे, तो वहाँ से आई वाज क्लियर कि ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले। उसके बाद मैं सेट, ऑन सेट जो भी आता है प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, उसको मैंने टैकल किया, तो ये सब प्रेपरेशन का ही फल है, प्रेपरेशन की ही मतलब फलसफा है कि ये हमको अच्छी तरह बना पाया इस पिक्चर। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो जब मुझे मिला फिल्म और बोला कि दिस इज़ द स्क्रिप्ट, आपको पूरा मगअप करना पड़ेगा, मैं ऑब्वियसली थोड़ा डर गई थी, पर क्योंकि साइन भी करना था तो मैंने बोला हाँ आई डू इट, यू नो आई डेफिनेटली डू इट। पर फिर जब वो फ़ोन कॉल आने लगे, करा देन बोला कि ओके नाउ यू कम, ऐसा प्रेशर नहीं था कि इन द सेंस कि आप करके आइए मगअप, बोला कि आप यहाँ पे आके मेरे साथ बस पढ़ो, आप पहले स्क्रिप्ट को पढ़ो, सो आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे तभी वो ऑटोमेटिकली आपको लाइनें याद होने लग जाती हैं। एंड देन फैजल वाज ऑलवेज देयर फ्रॉम मॉर्निंग से रात तक, जब हम पूरा करते थे वो हमेशा रहते थे, मरियम रहती थी, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ किया। प्रेशर तो था ही कि मैं कहीं लाइन वाइन ना भूल जाऊँ, पर सेट पर जाके ऐसे लगा ही नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, बहुत मज़े आए। मगअप करने उसके बाद स्क्रिप्ट साइड में रख दी, फिर खाली ऐसे डायलॉग बोलते गए पूरी स्टोरी बाय हार्ट, फिर वो हो गया, जब मालूम पड़ गया कि हाँ रोली को और सब एक्टर्स को लाइन मालूम है, फिर मैं उनको टेरेस पे ले गया, वहाँ मैंने पूरे जो एक पूरा सेट था अपना, वो कैमरामैन और आर्ट डायरेक्टर से, सेट डिजाइनर से बुला के पूरा हमने, यहाँ टेबल होगा, यहाँ किचन होगा, फिर ब्लॉकिंग किया मूवमेंट्स विद द प्रॉपर्टीज, तो इतना प्रिपेयर किया हम लोगों ने इस फिल्म के लिए, सब लोगों के लिए इतना आसान हो गया, एक्टर्स भी एंजॉय करने लगे, पूरा घुस गए अंदर उन्होंने। एंड सर का नरेशन क्या था आपके लिए? नरेशन सी उस टाइम ज़्यादा कुछ इतना था नहीं, क्योंकि द मूवी इज़ अ सस्पेंस मूवी, सो ऑब्वियसली साइन करने से पहले वी वाज लाइक आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा एंड यू विल गेट इट, बट दिस रोल इज़ वेरी चैलेंजिंग, सो विल यू बी एबल टू डू इट, यू नो मरियम जो थी, शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, वो बहुत श्योर थी कि ये लड़की कर पाएगी। और हम एक्चुअली इससे पहले कोई और एक दूसरी हीरोइन भी थी, जो कुछ वजह से हमने उनको निकाला और उनको अलग किया, क्योंकि मुहूर्त में कोई और लड़की दिखती है अगर आप देखें तो। फिर रोली को हम लोग ने चुना, बिकॉज देयर सम प्रॉब्लम्स विद द खैर। तो जब मरियम मेट रोली एंड शी गेव द ऑडिशन एंड शी सेड यस दिस गर्ल विल डू इट एंड शी विल वर्क हार्ड फॉर सर,
सो सीइंग हर कन्विक्शन आई आल्सो सेड चलो लेट्स टाइम भी कम था क्योंकि हमको फ्लोर पे जाना था शूटिंग करनी थी डेढ़ महीने में तो पूरी स्क्रिप्ट ये सब जो प्रोडक्शन हुई मगिंग अप और यू नो विदाउट दिस लाइंस एंड लाइंस बोल के फिर टेरिस पे तो सब डेढ़ महीने में ही पूरा हम लोग ने थोरोली वर्क रेडी हार्ड आई एम वेरी हैप्पी विद रोली ऑल माय एक्टर्स विभू शरद भाई राजकुमार कनौजिया भी हैं वो तो उन्होंने कॉमेडी अच्छी की है वो तो खैर अच्छे मंझे हुए एक्टर नहीं है तो सब ने बहुत अच्छा किया मिलजुल ओके फ्रेंड्स सर काफ़ी लंबे समय बाद में आप फिर से लौट रहे हैं जी जी तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी को इतना टाइम क्यों लगा सर वापस आने में देखिए मैंने बीच में भी कुछ काम किए हैं लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाए इसी तरीके से तो काम तो मैं करता था पहले से ही मेहनत करता था लेकिन इसलिए और इसलिए भी मैंने खुद इस फिल्म में डायरेक्शन किया क्योंकि मैं ये पिक्चर को सही तरीके से बनाना भी चाहता था और सही तरीके से बाद में पेश भी करना चाहता था उसको सही तरीके से रिलीज़ करना चाहता था मेरी जो दूसरी फिल्में थी वो थोड़ी छोटी फिल्में थी वो रिलीज़ नहीं की जाती थी सही तरीके से उसकी प्लानिंग वहाँ फेल हो जाती थी हालांकि स्क्रिप्ट अच्छी बनी थी और मेरी एक दो पिक्चर ने थोड़ा प्रॉफिट्स कमाया भी है जो बस्ती और काबू है लेकिन बाकी पिक्चर सही तरीके से बन नहीं पाए रिलीज़ नहीं हो पाए तो आई वॉज डिसहार्टेंड एज एन एक्टर एज अ क्रिएटिव पर्सन कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन बाद में रिलीज़ नहीं हो पाती अच्छी तरीके से तो फिर नो एक दिल टूट जाता है कि एक्टर का भी दिल टूट जाता है कि क्या करें मेहनत तो वो सब मैं देख रहा था कि इस प्रोजेक्ट के साथ भी हो रहा था तो शारिक भाई वो सपोज टू डायरेक्ट दिस प्रोजेक्ट मैंने उनको वहीं रिक्वेस्ट की कि शारिक भाई ये आप मुझे डायरेक्ट करने दीजिए क्योंकि मैं इसको पूरा जस्टिस दे पाऊँगा तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे तो उन्होंने भी बोला हाँ हाँ फैसल तुम ही फैसल भाई आप ही डायरेक्ट कर दीजिए ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेशियस टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू मी ये प्रोजेक्ट में मैं इतना बिलीव करता था इसकी कहानी में इसके आप जब देखेंगे इसमें कैरेक्टर इतना अनप्रिडिक्टेबल सडनली गाने भी गाने लगता है तो बहुत चैलेंजिंग रोल था बहुत बहुत एफर्ट गई है फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स बहुत एफर्ट गई है एंड वी ट्राई टू मेक अ गुड फिल्म अब थर्ड को जब रिलीज होगी फैक्ट्री पे देखेंगे ऑडियंस क्या कैसे रिएक्ट करती है दैट्स वेरी एक्साइटिंग थिंग टू सी लास्टली थर्ड को आ रही है क्या कहना चाहेंगे थर्ड को हम ये कहना चाहेंगे कि आप आइए थिएटर्स में आइए देखिए फिल्म और सिंसियरली आपको अगर अच्छी लगे तो सिंसियरली बोलिएगा अगर बुरी लगे तो भी बोलिएगा कि ये बुरी है ताकि हम सीखें और वो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम रिव्यूज़ जो आएंगे और जो सब ऑडियंस देखेगी कुछ प्रेस देखेगी तो वो लोग भी कुछ ना कुछ कहेंगे कुछ रिव्यूज़ देंगे तो अगर बुरा भी बोलेंगे पिक्चर के बारे में तो कुछ बुरा मैं नहीं बुरा मानूंगा क्योंकि मैं सीखूंगा उससे दैट्स बीन माय स्टाइल ऑफ वर्क ऑल थ्रू आउट माय लाइफ और अगर अच्छा मानेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हमने सही चीज़ बनाई है और आगे और हिम्मत बनेगी और अच्छा काम करने की सी हमने ऑब्वियसली मेहनत और बहुत प्यार से तो मूवी बनाई है बट प्लीज़ गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड थैंक यू सो मच इट विल बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस दैट्स व्हाट माय एफर्ट एज अ डायरेक्टर इज टू मेक अ फिल्म व्हिच द ऑडियंस एंजॉयज एंड इट शुड बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू तो जो ऑडियंस आएगी वो देखेगी वो इंशाल्लाह एंजॉय करके जाएगी एक्साइट होकर जाएगी कि एक अच्छी फिल्म देगी ये मेरा प्रयत्न है एज अ डायरेक्टर कि मैं एंटरटेन करूँ और एंजॉयमेंट लेके जाए ऑडियंस पैसा वसूल होपफुली सर थैंक यू सो मच थैंक यू